भारतीय एथनिक फर्नीचर का अपना महत्व है। ये महंगे तो जरूर हैं, लेकिन इनकी मांग में कोई कमी नहीं है। मध्यकालीन भारतीय कला और कार्विंग को समेटने वाले इन एथनिक फर्नीचर्स की मोहकता सचमुच सबसे अलग है। जरा इस सेंटर टेबल को देखिए, बनाने वाले ने इस पर कितनी बारीकी से मेहराब बनाया है। जरा इस डाइनिंग टेबल को देखिए, ये उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का रेप्लिका है। इस डाइनिंग टेबल के कट्स बहुत स्पेशल हैं और इस पर बनी पैनल कार्विंग बहुत ही मनमोहक है। ये बेड, इस पर बने स्पिंडल्स अपने आप में अनोखे हैं। इस सेंटर टेबल को देखिए, इसके पाए कितने यूनिक हैं। इसे ब्रैकेट डिजाइन सेंटर टेबल कहा जाता है। और ये सोफा, इस पर की गई बारीक कारीगरी देखने लायक है। इसका सिल्क फैब्रिक इसको और सुंदर बना रहा है। इसमें जो डिजाइन्स हैं वो ट्रेडिशनल राजस्थानी डिजाइन्स हैं, जो वहाँ के स्किल्ड कारीगरों ने वुड में उतारे हैं और हमने उसी आर्ट को यूज़ करके फर्नीचर में इनको रिप्रेजेंट किया है। जो ट्रेडिशनल फर्नीचर बनता था राजस्थान में, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता था उन लोगों को, जैसे बैक सीधी बना देते थे। हमने उसमें रिफाइनमेंट इस तरह से करी है कि इनफ सिटिंग स्पेस दी है, बैक का एंगल अच्छा दिया है, ताकि जब आदमी बैठे तो वो कंफर्टेबल हो। ये फर्नीचर टीक वुड से बने हैं। इस पर मेलामाइन की परत चढ़ाई गई है ताकि इन पर धूल ना जमे और ये वाटरप्रूफ हो। इसलिए थोड़े से महंगे भी हैं। जैसे ये महाराजा डिजाइन सोफा, इसकी कीमत 1,65,000 रुपए है और ये डाइनिंग टेबल 2,50,000 रुपए का है। ये झूला 2,25,000 रुपए का है। इन फर्नीचर्स की मांग भारतीय बाजारों में ही नहीं, विदेशों में भी काफी है। बेसिकली ये हमारा जो फर्नीचर है, कल्चरली रिच स्टेट्स के लोग पसंद करते हैं, जिसमें गुजराती लोग काफ़ी पसंद करते हैं, हैदराबाद के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, बेंगलोर के, चेन्नई के, साउथ इंडियन स्टेट्स के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बंगालीज भी पसंद करते हैं। नॉर्थ में भी इसकी अपनी डिमांड है, फॉरेन में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा सामान ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है। मेनली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ईस्ट यूरोप के हैं, दुबई के हैं, मिडल ईस्ट के हैं। इसके अलावा बहुत से इंडिविजुअल इंडियंस जो बाहर रहते हैं, जिनको अपने देश का हिस्सा विदेश में चाहिए, वो हमसे संपर्क करते हैं ईमेल से, हमारी वेबसाइट देख के, और हमारे पास आते हैं। आज से कुछ साल पहले एथनिक फर्नीचर की मांग एकाएक गिर गई थी, लेकिन इसमें आए बदलाव ने इसकी मांग को और बढ़ा दिया है।